वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सफल पारी खेली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि हेमा राजनीति में आए? इस बात का खुलासा हेमा ने खुद एक इंटरव्यू में किया है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में हेमा ने कहा, धर्म जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चुनाव ना लड़ूं, क्योंकि ये बहुत कठिन टास्क है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने इस बात को एक चैलेंज के तौर पर लिया। हेमा बोली, धर्म जी को राजनीति में इसलिए दिक्कत आई क्योंकि उन्हें ट्रेवल काफी करना पड़ता था और इसके साथ उन्हें फिल्मों में भी काम करना था। हेमा ने आगे कहा, जब आप एक फिल्म स्टार होकर राजनीति में आते हैं तो लोगों का क्रेज आपके प्रति और बढ़ जाता है। धर्म जी को लेकर फैंस का क्रेज सब जानते हैं, तो उन्हें इसे मैनेज करने में काफी दिक्कत होती थी। मैं भी कई परेशानियों का सामना करती हूँ जो धर्म जी को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं एक महिला हूँ तो मैं ठीक से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। हेमा ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी में विनोद खन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेमा बोली, मैं विनोद खन्ना से प्रभावित थी क्योंकि वो मुझे अपनी चुनावी सभाओं में साथ ले जाते थे, जैसे स्पीच कैसे देना है, पब्लिक को कैसे फेस करना है आदि। 5,000 लोगों के सामने स्पीच देना कोई मजाक की बात नहीं है, आप पहली बार में डर जाते हैं।